40 रुपये पर किलो, किलो है 40 रुपये। अब यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 1 किलो के दाम कितना है, 500 ग्राम का दाम कितना है, 250 ग्राम का दाम कितना है, 125 ग्राम का दाम कितना है, 100 ग्राम का दाम कितना है, 50 ग्राम का दाम कितना है, 25 ग्राम का दाम कितना है, 10 ग्राम का दाम कितना है, 5 ग्राम का दाम कितना है, 1 ग्राम का दाम। देखिए आपको रुकना कहाँ कहाँ है, 100 ग्राम पर, 10 ग्राम पर, 1 ग्राम पर, और कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। रुपये की जरिए पर ध्यान समझेंगे, 1 किलो का दाम कितना है 40 रुपये, 500 ग्राम का मतलब समझना आधा किलो, हिंदी वगैरह कुछ कह दिया आधा किलो जाती भाषा, 1 किलो के 20 रुपये, आधा किलो के वजन आधा, पैसा आधा कर देना, एक बार समझना 250 ग्राम का मतलब कुछ पाव है, तो वजन आधा पैसा आधा, तो ये 20 रुपये कितना कर आधा कर देते ना, फिर ये कर आधा होगी 125 ग्राम मेरा कह दिया है, ये कितना है कीजिए 5 रुपये, यहाँ तक तो कुछ खाली आधा करते के लिए, वजन आधा पैसा आधा के लिए, यहाँ समझना ये 100 ग्राम का पूछा है, ये तो एक आधा ना है, आधा रहता तो पैसा आधा कर देते और 2.5 रुपये कर देते, लेकिन आधा में ना है, तब हम कहें कि 1 किलो के दाम समझना है खाली, 1 किलो के खाली अगर दाम पता है तो सब कर देंगे, 1 किलो के दाम में अगर 100 ग्राम के दाम निकालना होगा तो पीछे से कहीं के बाद दस सुने कुछ कहे दे, अगर 1 किलो के दाम देने रहे और 100 ग्राम के दाम पूछे तो पीछे से 1 अंक के बाद सब, तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो आगे वाला रुपया पीछे वाला पैसा, समझे, तब बताओ आगे कितना है 400, पीछे 0 है तो 0 पैसा, तो 0 पैसा रहने चाहे ना रहे पर पड़ा है 0 कोई मतलब ही ना हो भाई, तो फिर रुपये हमने 4 समझ गए, और फिर से वजन आधा पैसा, 100 ग्राम के 4 रुपये, 50 ग्राम के 25 ग्राम के 1 रुपये, समझ रहे हैं, अब 10 ग्राम के फिर रुक जाना है, क्योंकि अगर आधा तो है ना, जहाँ आधा नहीं रहेगा वहाँ का कर देना है, रुक जाना, फिर 1 किलो पर जाना है, 1 किलोग्राम कितना है, आपने कितना के निकालना है 10 ग्राम, 100 ग्राम के निकालना है तो पीछे से 1 अंक के बाद 10 अंक बैठेगी, लेकिन 10 ग्राम का निकालना है तो पीछे से कितना अंक के बाद 2 अंक, अभी बताया कि आगे वाला रुपया पीछे वाला तो दशमलव के पीछे ना है, ये पैसा उसी पैसा, समझे, 5 ग्राम के आधा है तो कितना पैसा 20 पैसा, सुने आप निकालना है 1 ग्राम का, कितना ग्राम के दाम, तो फिर वही 1 किलो में चल जाना, 1 किलो के दाम कितना है 1 किलो के दाम निकालना है कितना ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम के दाम निकालना है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव, कितना के बाद 3 अंक, कितना 2 अंक, 3 अंक बना दे, 0 लेके हम बैठाते हैं, 0 4 के मतलब कितना पैसा 4, 1 ग्राम के दाम कितना पैसा बोला है 4, 40 ना 4 पैसे, अब बताओ 40 पैसा होती है, 40 पैसे, 40 पैसे, थोड़ा सा दिमाग को हाथ में रखो, भांग पी के काश मेरे से चल रहा है, मतलब यहाँ भी 40 पैसा, यहाँ भी 40 पैसा हो सकता है, फिर से समझेंगे एक बात, 3 जगह खाली आपको रुकना, 100 ग्राम में, 10 ग्राम में और 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दशमलव करने से पीछे से, 10 ग्राम के निकालना है तो कितना अंक के बाद 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, समझ गया, 1 ग्राम में 3 अंक के बाद ये लिख लीजिए पे, अब बस इतने हो गया 3 अंक के बाद दशमलव, लेकिन ध्यान रखना करने से पीछे से, और कितना में 1 किलो वाला, कितना में दशमलव देना है, 1 केजी के मूल्य, 1 केजी के जो मूल्य दे ले रहे हैं नौकरे में दशमलव देना, आप पूछे बता दीजिएगा, अरे पूछे जी, चलो अब बारी बारी से खड़ा हो जा, अब हम तीन चीज खाली पूछेंगे, चलो खड़ा हो बोला, अगर हम कहते बाबू कि 60 रुपये किलो है, 60 रुपये किलो है, बताइए 100 ग्राम के, 10 ग्राम के और 1 ग्राम, 100 ग्राम के 6 रुपये, हाँ आगे बोलिए, 10 ग्राम, 60 पैसा खाली बोलना है, 0 है तो कोई वैल्यू ना होता है, और 1 ग्राम पे बोलिए 6 पैसा, बैठा
सही है ना जी? चल आगे बैठा, आगे खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हुआ जी? अरे हो गया खड़ा? अरे हो नहीं खड़ा जी? चलो बता, 100 ग्राम के, 100 ग्राम के 16 रुपये, 10 ग्राम के हैं 1 रुपया 60 पैसा, हाँ 1 ग्राम के 1 ग्राम की कितना अंक के बाद संभव जी? 3 अंक के बाद संभव दो ना जी, 16 पैसा। पीछे वाला तो पैसे ना हो भाई जी, भाई हम इसे काहे ना भगवान नोट रहा हूं ना, साफ साफ लिखा ने जब लिखले बताबो ना के लिए, जब देखो भगवान लेता। चल खड़ा हो जा, बोला 100 ग्राम के, हाँ ₹14 10 ग्राम के बता, 10 ग्राम लाइक कितना के बाद दस अंक बिठाना, देखो एक अंक लिखल है, एक अंक लिखल है, दो अंक पीछे से 2 अंक ना बिठाएंगे, 1 रुपया 40 पैसा ना, 1 रुपया 40 पैसा। अब बताओ 1 ग्राम के, 1 किलोग्राम कितना है, तो 40 कितना के बाद दस अंक बिठाएंगे, बैठाओ 3 अंक के बाद यह ना बैठेगा, 1 2 3 कितना पैसा, दस अंक के बाद पैसा होगा कि रुपया होगा, कितना पैसा है, 14 पैसा। कहरा देंगे हम पकड़ के, तो सीखे ना कर, बांस से मारेंगे, बैठ हम रूम मारेंगे तो, अब वीडियो अपलोड कर सब देखे कैसे मारेंगे तो। चलो जी बताओ, 280 रुपये किलो है, बताइए 100 ग्राम के, 10 ग्राम के, 1 ग्राम, 100 ग्राम के 28, 10 ग्राम के 2 रुपया 80 पैसे, 1 ग्राम के 28 पैसे। बैठिए, सबके समझ में आती है ना, समझ में आती, बताइए 220 रुपये किलो, बताइए 10 ग्राम के ना, समझ यहाँ देखना है, कैन के बाद दस अंक बिठाना है, 100 ग्राम में कैन के बाद दस अंक बिठाना है, तो बैठाओ 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद दस अंक बिठाने तो जा सकता है क्यों ना, आते पकड़ के हम आ गए तो जब मारे में कोई कमी नहीं, हम करेंगे 22 रुपये। अब 10 ग्राम का दाम बताइए कितना के बाद दस अंक बैठाएंगे, बैठाओ 2 अंक के बाद दस अंक, 2 अंक के बाद दस अंक बैठाएंगे तो ही ना आएगा, आगे वाला रुपया पीछे वाला 2 रुपया, तो लिखो 2 रुपया 20 पैसा, पहले दशमलव ना बैठा जा रहा है, दशमलव गिन के ना बैठा जा रहा है सर में, 1 ग्राम के बताओ कितना अंक के बाद दशमलव बैठाओ, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो ही ना आएगा, कितना 2 रुपया होगा, दशमलव के बाद पैसा ना हो भाई, रुपया होगा भाई, दशमलव के बाद रुपया होता है जी, कि दशमलव से पहले रुपया होगा, दशमलव के बाद पैसा होगा, कितना पैसा है 22 पैसा। एक नंबर बैल सर, ये दम इतना बैल है ना दम, पता ना घरे दिमाग वाला क्या करता, तनख्वाह पर घरे रख देंगे कि खर्चा होते हैं हमके अभी तक, कोई ना होगा ऐसा बाजार में जाए तो पैसा तो लेके ना देते रह तो कई हो बाद में जान खर्चा चढ़ जाता है घर छोड़ के आ जाता है बीमार, लेके जाएंगे खर्चा घर ही रहा सरस्वती, घर ही रहा खर्चा हो जाएगा, सबके शर्म भी नहीं आता कितना छोटा छोटा सब बतावे, हम ना कहे बतावे,
सब बता रहा है ना, जैसे ना बता रहा है सर। बोलो जी 100 ग्राम 16 रुपये बताइए, कोई बता रहे भाई 16 रुपये क्या? आगे बताइए 10 ग्राम के, ये कैसे बता रहे, ये कैसे बता रहा है बताओ, 1 ग्राम के 16 पैसे ये कैसे बता रहा है? कुछ है ये ना, है कुछ खाली 10 अंडा बिछाना है। 100 ग्राम का पूछेगा तो 1 अंक के बाद 10 अंडा, 10 ग्राम का पूछेगा तो 2 अंक के बाद 10 अंडा, 1 ग्राम पूछेगा तो 3 अंक के बाद 10 अंडा। याद रखना है कि 10 अंडा से पहले वाला रुपया, 10 अंडा के बाद वाला पैसे। और कुछ याद रखना, दो बात ना घुस रहा है दिमाग में, है ऐसे ही सब परीक्षा देंगे सर बोर्ड। चलो तो कालम उसको रहते हैं हमारा वीडियो ले लेना लोग तेजा से पढ़ते तो ना ना तुम ज्यादा मुस्कुराते फिर हम धो दे। चलिए बोलिए 320 रुपये किलो 100 ग्राम 32 रुपये 10 ग्राम के हाँ 20 पैसे और 1 ग्राम के 32 पैसा अभी लगे रुपया बोल दिया। समझ में आवा तो कुछ है कुछ कहा थी हमने, ये दोनों के अलावा बता कोई है कंफ्यूज है ना, वो ओकरा होती कंफ्यूज है छोड़ा तो दोनों में अब बता दे कर जावा के अब बता दे सर। हां बोलिए फिर क्या? अरे बात ये बंद कर दे। 10 ग्राम के 60 पैसे ना क्यों नाटे वाला बात कर ले है क्या के बाद 10 ग्राम छोड़ दे बैठाई तो। अरे बैठाने तेजे ना, जब 10 अंडा से पहले वाला रुपया ना होगा ये पैसा होगा 6 रुपया और 1 ग्राम के 7 पैसा 60 पैसा बैठे चला 1800 रुपये किलो जल्दी बोलो 180 रुपये 180 रुपये 18 रुपया हाँ 1 ग्राम के 1 ग्राम को होता है 1 रुपया 80 पैसा बेच के। चलो तो बता देंगे कहीं होगा बताओ 2400 रुपये के पास के लिए बोला इतना भारी है हमने कुछ नहीं होगा तो समझो तो कहीं बैठाना है 100 ग्राम के रुकल तो ये हो बच्चा लत दौड़ा चलो नहीं कर पाओ जल्दी हो ना पैसा हो जाए ना 24 रुपये 1 अंक के बाद 10 अंडा 100 ग्राम के अंक के बाद 10 अंडा 1 अंक के बाद 10 अंडा बता 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 24 रुपये होना है कितना होना है 240 को ची रुपया अब बताइए 10 ग्राम 24 हाँ 2 अंक के बाद 10 अंडा बिछाएंगे कितना हो जाएगा 24 रुपये और बताइए 1 ग्राम के 1 ग्राम के हाँ 2 पैसा यहाँ ना जाएगा बोलिए 2 पैसा पीछे वाला 2 रुपया 40 पैसा 2 रुपया 40 पैसा यही बता देने तो हमारा पता ना लेकिन तू बता मेरे कुछ कर लीजिए बोल रहा तू खड़ी खड़ी बोल दिया 3600 रुपये किलो है 100 ग्राम का बोला 360 रुपये वेरी गुड 10 ग्राम के 36 रुपये 36 रुपये 1 ग्राम के 3 रुपया 60 पैसे वेरी गुड सीख गए सब आप बना के दिखाएं आप सब कॉपी बनाएं ये दो